जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के सभी भक्तों को, अपना देश देखने और सुनने वाले सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक माह की एक विशेष कथा को। दोस्तों, कार्तिक माह को सभी मासों में उत्तम बताया गया। भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय मंथ है ये, और इसी महीने में भगवान श्री हरि के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जो कार्तिक मास की शुरुआत जो होती है वो कार्तिक पूर्णिमा से होती है। वहीं बंगाली कैलेंडर और मराठी कैलेंडर में हर महीने की शुरुआत अमावस्या तिथि से होती है, और वैष्णव जन, जो शुद्ध वैष्णव जन होते हैं, उनके लिए कार्तिक मास की शुरुआत पापांकुशा एकादशी से शुरू होकर कार्तिक मास खत्म होता है देव प्रबोधिनी एकादशी, यानी कि देव उठने 11, जिस दिन भगवान श्री हरि 4 महीने की निद्रा से उठते हैं उस दिन कार्तिक मास जो है वो समाप्त होता है। दोस्तों, इस महीने में पूजा, जप, दान, स्नान का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में तुलसी जी की पूजा करना, भगवान श्री हरि की पूजा करना, कथा सुनने का, दीप दान का बहुत अधिक महत्व है। इस दोस्तों, आपको भी सुबह शाम तुलसी जी के पास में दीपक जरूर से जलाना चाहिए और ये कथा जरूर सुननी चाहिए। जो लोग तारा पूजन करते हैं उन्हें ये कथा विशेष तौर पर सुननी चाहिए। तो कथा इस प्रकार से है। किसी नगर में एक साहूकार था, उसकी एक बहू तारा भोजन किया करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे भी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा, आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह फिर राजा के पास गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी ये मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देखकर उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है तब वह कहती कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है ना। देवरानी आती तो उसको भी मना कर देती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननद आती तो ननद को कहती है कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी, तुम अपनी तैयारी करो। राजा जी आते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो कारोबार संभालना है ना, उसे ही संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तब बहू कहती कि हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम एक ही हो जिसने कार्तिक के पूरे माह में मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया, कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है, लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो सिर्फ कहानी सुनी, व्रत भी नहीं किया, पूजा भी नहीं की, फिर भी मेरी वजह से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू जब ये सब मन में सोच ही रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया, मैंने कितने मन से आपकी पूजा अर्चना की, व्रत किया, और उसके बाद में मुझे ये परिणाम भुगतना पड़ा। तब भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसीलिए तू धरती पर रहे, अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से दोस्तों, जब भी हम व्रत करके अभिमान करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, तो उस व्रत का पूरा फल जो है वो नष्ट हो जाता है। तभी तो कहते हैं जब भी हम व्रत करें तो उसे भोजन को छोड़ देना, भोजन नहीं करना, अन्न ग्रहण नहीं करना, ये व्रत नहीं है। व्रत होता है अपने आप पे कंट्रोल करना, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना, किसी का बुरा न करना, सबका सम्मान करना और अभिमान न करना। तो बुराइयों से बचकर पूरे सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करने से ही व्रत का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी इस कथा का सार। उम्मीद है ये कथा आपको अच्छी लगेगी। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर को भी आप जरूर से सुनाइए और कमेंट में जरूर से अपने इष्ट देव का नाम जरूर से लिखें। जय माता दी।